हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा गोस्वामी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे गोस्वामी टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका मोबाइल कभी भी वाटर ड्रॉप हो जाता है, यानी पानी में जाने के बाद ख़राब हो जाता है, पानी में चले जाता है, तो आप उस फ़ोन को कैसे बचा सकते हैं। अगर आप उस फ़ोन को सही करना चाहते हैं या अगर रिपेयरिंग के लिए ले जाते हैं तो उसमें आपको पता है बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाता है। लेकिन अगर आपका फ़ोन पानी में गिर जाए, आप तुरंत उसके साथ कुछ स्टेप कर लेते हैं तो वह फ़ोन आपका बच जाएगा। तो ये सब बताने से पहले, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए, यूजर लिंक आपको नीचे आई डी होगी, और उसके साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए। तो मैं आज आपको पांच ऐसे चार ऐसे स्टेप बताऊंगा, चार पांच, जिससे कि आप अपने फ़ोन को पानी में जाने के बाद तुरंत सेफली बचा लेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या, अगर आपका फ़ोन गलती से कभी पानी में चला जाए तो आप फ़ोन को तुरंत निकालने के बाद उसमें थोड़ी बहुत उसको हिला लीजिए, जिससे कि उसका पानी निकल जाए बाहर, और उसके बाद तुरंत उसकी मेमोरी कार्ड सिम जो भी है वो निकाल दीजिए। अगर आपको उसकी बैटरी निकालना लगता है कि निकल जाएगी तो बैटरी निकाल लीजिए, अगर आपका सील पैक बैटरी है तो आप उसको रहने दीजिए। और सेकेंड स्टेप, आप तुरंत अपने फ़ोन को ऑफ़ कर दीजिए, अगर आपका फ़ोन ऑन है तो उसे आप ऑफ़ कर दीजिए, अगर ऑफ़ है तो उसे ऑफ ही रहने दीजिए, ऑन मत कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आप ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन में शॉर्ट सर्किट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएगा। और थर्ड स्टेप, अगर आपका पास हेयर ड्रायर है, अगर आप हेयर ड्रायर करते हैं तो आप तुरंत उस फ़ोन को पानी से निकालने के बाद थोड़ी बहुत उसका पानी निकाल लीजिए, यानी हिला लीजिए उसे, उसका पानी, ताकि जो भी उसमें अंदर अटका हो तो गिर जाए। उसके बाद उसको हेयर ड्रायर से आप सुखा लीजिए, अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो। इससे होगा क्या कि उसके अंदर जो भी पानी होगा वो हेयर ड्रायर की गर्म हवा से सूखने लग जाएगा, धीरे धीरे भाप बन के उड़ जाएगा, तो फ़ोन आपका ठीक हो जाएगा। अगर आपके पास हेयर ड्रायर नहीं तो आप थर्ड ऑप्शन इसमें अपना सकते हैं। उसमें आपको करना क्या है कि अपने फ़ोन की जो भी बैटरी और वो भी जो भी निकाल सकते हैं, निकालने के बाद मेमोरी कार्ड वो, तो अपने फ़ोन को चावल के डब्बे में डाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, चावल के डब्बे में, क्योंकि चावल तो अक्सर सबके घर में होते हैं। तो आप फ़ोन को क्या कीजिए, उसके बैटरी अलग कर दीजिए, अगर बैटरी नहीं निकलती है तो आप मेमोरी कार्ड और चिप निकाल के फ़ोन को स्विच ऑफ करके चावल के डब्बे में डाल दीजिए, कम से कम 8 या 9 घंटे के लिए। इससे क्या होता है कि चावल में जितना भी आपके फ़ोन में पानी होगा उसको धीरे धीरे सूख लेता है और आपका फ़ोन ठीक हो जाएगा। तो आप फ़ोन को 10 घंटे से पहले ऑन ना करें, और 10 घंटे बाद आपका फ़ोन निकाल दीजिए, उसके बाद आपका फोन परफेक्टली काम करने लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। कोई भी सवाल जवाब हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं और वीडियो कर दें शेयर। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।